आपकी भी हॉबी भी जो है अब्रॉड में जो है वर्क करने से रिलेटेड है, तो आप जो है किस तरीके से वहां पर जा सकते हैं अब्रॉड में और किन-किन पॉइंट का आपको ध्यान रखना है, तो वही सारी चीजें आप इस वीडियो में मैं जो बताने वाला हूँ, तो प्लीज आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा मेरे पास क्वेश्चन आते रहते हैं कि सर हम जो है अब्रॉड जाना चाहते हैं, अब्रॉड जाना चाहते हैं, तो उनके बिहाफ पे ही मैंने वीडियो बनाई, जिससे कि आपके जितने भी जो क्वेश्चन है वो मैं सारे इस वीडियो में ले सकूं और आपकी जो भी क्वेश्चन क्यों हो उसे मैं सॉल्व कर सकूं। क्योंकि बहुत ज्यादा क्या होता है कि आप लोगों को क्वेश्चन आते हैं कि सर मैं जो अब्रॉड जाना चाहता हूँ, तो इसलिए मैंने इस वीडियो में बताया है, जो आप इस वीडियो में जो टिप्स एंड ट्रिक जान पाएंगे उसके द्वारा आसानी से बल्कि ना जा पाएंगे, बल्कि उन चीजों का ध्यान रखते हुए आप आसानी से वहां का वीजा ले भी सकते हैं। तो किस तरीके से ले सकते हैं वो सारी चीजें इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगी। तो वेलकम बैक टू योर चैनल कंप्यूटर सीखो में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसे कि मैंने बताया था कि मैं आपके सामने हाजिर हूँगा एक और जो दूसरी जो है इंफॉर्मेटिव वीडियो, जो कि हमारे अब्रॉड इमिग्रेट टू अब्रॉड से रिलेटेड है। अगर आप जो है अब्रॉड स्टडी या किसी भी जो है उस पर जाना चाहते हैं, वर्क परमिट से रिलेटेड जाना चाहते हैं, तो किन किन पॉइंट का आपको ध्यान रखना है, किस तरीके से आपके साथ कोई चीटिंग ना हो इन फ्यूचर, तो आप इन पॉइंट का ध्यान रखेंगे जो इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो आपको इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आप जो है आसानी से वहाँ का वीजा प्राप्त कर लेंगे। तो वीडियो को अभी से कर दीजिएगा लाइक, क्योंकि वीडियो की भावनाओं में आप इतना खो जाते हैं कि वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं, तो प्लीज आप वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और ज्यादा से ज्यादा लाइक करके शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि दूसरे लोगों को भी इसका पता चल सके और दूसरे लोग आगे दूसरे लोगों के साथ ये चीज शेयर कर सकें। तो चलिए दोस्तों सीख लेते हैं। सबसे पहले तो यह देखिए, अगर आप जो है अब्रॉड जाना चाहते हैं, तो पहली तो चीज ये है कि जैसे कि आप यूएस जाना चाहते हैं या जो है यूरोप कंट्रीज जाना चाहते हैं, देखिए अलग अलग मैं इसमें बता दूंगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि यूरोप और ये कनाडा, ठीक है, मोस्टली इन्हीं कंट्रीज में ज्यादातर जो लोग जो है करना जाना चाहते हैं, कनाडा हो गया आपको, यूरोप कंट्रीज हो गया, उसमें शेंगेन कंट्रीज हो गई आपकी, तो यहाँ पर ही मोस्टली जो है लोग जाना चाहते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि यूएसए और जो ये कनाडा है, सॉरी यूएसए एंड यूरोप जो है, यूएसए के लिए आपका इंटरव्यू होता है, आपको बिना इंटरव्यू के आप जो वहां पर नहीं जा सकते, इंटरव्यू आपको फेस करना ही पड़ेगा एमबीसी के द्वारा, ठीक है। और जो यूरोप एंड कनाडा जो कंट्रीज हैं, अगर आपको कोई जो है इस तरीके का ऑफर कर रहा है, तो यहाँ पे आपको कनाडा में क्या है कि आपको बैंड चाहिए होते हैं, बैंड आपके पास है, तो तभी जो आप इसे अप्लाई करें। इसके लिए अलग अलग जो है वो रहते हैं कि आप जो है किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, सो मैंने वीडियो बनाई हुई कनाडा से रिलेटेड अलग अलग प्रोग्राम में प्रोविंसेस के, तो आई होप आप वो वीडियो देख के आप आसानी से उसको देख सकते हैं, किस में कितने बैंड चाहिए, कि कौन सा वर्क परमिट कहाँ का कैसा है, वो सारी जो है इसमें मिल जाएंगे आपको। बात करूं अगर मैं यूरोप कंट्रीज की, यूरोप कंट्रीज अगर आप जाना चाहते हैं, तो यूरोप के लिए देखिए तो बैंड की जरूरत नहीं होती है, वहां जो है आइट्स की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ यह है कि वहां पर आपके स्किल हैं तो आप जो है यहाँ आसानी से जा सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई इसकी बात कि आप जो है कौन सी कंट्री किस तरीके से जा सकते हैं। यूएस थोड़ा जो है इसके मुकाबले थोड़ा टाइट पड़ जाता है, वहां पर इंटरव्यू जो है फेस करना पड़ता है आपको, लेकिन कनाडा और यूरोप में इंटरव्यू की मतलब इतनी कोई वैसी जरूरत नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर आपकी जो है जो बैंड है, जैसे कि कनाडा में बैंड चाहिए, यूरोप में जो है स्किल आपकी कोई होनी चाहिए, स्किल अगर आपके पास है तो आप जो है वहां मूव हो सकते हैं। इसमें देखिए ऑस्ट्रेलिया भी है, ऑस्ट्रेलिया थोड़ा जो है इनके मुकाबले थोड़ा सा टफ पड़ जाता है, ऑस्ट्रेलिया में जैसे कि यहाँ भी जो है आपको बैंड चाहिए होते हैं आइल्स, ठीक है। बिना आइल्स के आप जो है अप्लाई करें, तो ये मैं आपके लिए गाइड नहीं करूंगा कि आप बिना आइल्स के यहाँ पर अप्लाई करें ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसमें जो कि किस किस चीज का आपको ध्यान रखना है। देखिए अगर कोई आपको जैसे कि आप किसी एजेंट के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं, तो एजेंट अगर आप वैसे तो देखिएगा अपने आप से आप अप्लाई कर सकते हैं, सारा मैंने वीडियो बनाई हुई है ऑनलाइन कैसे आप जो है आप अप्लाई कर सकते हैं, उसकी वीडियो बनाई हुई है, लेकिन नहीं देखी हुई तो देख लीजिएगा। इसमें देखिएगा सबसे पहले जो पॉइंट रखने वाली चीज है, अब आपको जैसे कि किसी एजेंट के द्वारा या किसी जो है आप किसी भी ऑफिस के द्वारा आप अप्लाई कर रहे हैं, तो मेडिकल को अगर आपसे वो बोल रहा है, तो उसका ध्यान रखें कि मेडिकल बोल रहा है तो वो जो है फ्रॉड है, मतलब वो पहले मेडिकल इस तरीके का कोई प्रोसेस नहीं होता कि वो पहले मेडिकल कराए आपसे कि जो है बोले कि जो है भाई मेडिकल करा लो और उसके बाद जो है हम आपका ऑफर लेटर मंगवा लेंगे, तो ये जो है रॉन्ग है, इसको आपको फॉलो नहीं करना है, ठीक है। दूसरी चीज क्या है कि दूसरी चीज ये है कि जैसे कोई आपको बोल रहा है,
इमिग्रेशन फ्रॉम अनदर कंट्री। लाइक अगर कोई आपको बोल रहा है कि मैं आपको जो है कनाडा जो है जॉर्जिया से भेज दूंगा, ठीक है, तो आप हैं इंडिया से, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जहां से भी हैं, और वो आपको बोल रहा है कि मैं आपको जो आपका इमिग्रेशन जो है जॉर्जिया में पहुंचा दूंगा, जॉर्जिया में पहुंचा के आपको दूसरी जगह जो है पहुंचा दूंगा, तो ये भी जो है रॉन्ग है। इसको भी जो आपको फॉलो नहीं करना, अगर इस तरीके से कोई आपको बोल रहा है तो इस तरीके से उसे फॉलो ना करें, ठीक है। तीसरी चीज क्या है कि तीसरी चीज यह है कि देखिए कॉन्टेक्ट मैरिज को अगर कोई बोल रहा है, जैसे कि इस तरीके के भी काफी जो है फ्रॉड देखे गए हैं कि जो है कॉन्टेक्ट मैरिज, वो जो है लड़की को बोल देते हैं कि हम जो है तुम्हारी मैरिज वहां पर करा देंगे और उसके बाद आपकी जो है जितनी भी प्रॉपर्टी है वो सब उस पर, तो ये भी जो है रॉन्ग है। इस तरीके से इसको भी फॉलो नहीं करना है आपको। तो मेरा मोटिव यही है आज इस वीडियो में बताने का कि इस तरीके के जो फ्रॉड हो रहे हैं इनसे आप जो है ना जाए। और देखिएगा जेन्युइन तरीके हैं सारे, उन जेन्युइन तरीके से आप जा सकते हैं और जाकर के आसानी से आप जो है वहाँ का वीजा प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो चीज आपको ध्यान रखनी है, मेडिकल अगर आपको कोई कराता है या जो है आपको कोई बोलता है कि जो है दूसरी कंट्री से मैं आपको इमिग्रेट करा दूंगा, तो वो सब फ्रॉड है। इस तरीके से उनको चक्कर में ना पड़े। अब जेन्युइन तरीके क्या है देखिएगा वो बता देता हूँ आपको मैं। देखिएगा अगर आप स्टूडेंट हैं और अभी आप जो है स्टडी कर रहे हैं, तो आप जैसे आफ्टर 12 जो है स्टडी वीजा पर वहां पर जा सकते हैं, और स्टडी वीजा के बाद वहां पर आप जो है प्राप्त कर सकते हैं। स्टडी वीजा पर जाकर के अगर स्टडी करना है तो स्टडी वीजा पर जाकर के आप वहां पर प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज यह है कि देखिएगा पहले आप जो है वहां पर टूरिस्ट वीजा पर जा सकते हैं, ठीक है। अगर आप में स्किल है तो आप जो है वहां पर टूरिस्ट वीजा पर जा सकते हैं। टूरिस्ट वीजा पर जाने का फायदा ये होता है कि वहां पर आपको जो है एम्प्लॉयर अगर मिल जाते हैं और आपकी वो स्किल उनको पसंद आ जाती है, तो आप जो है एप्लीकेबल होते हैं वहां का वर्क परमिट लेने के लिए, ठीक है। तो ये हो गया। तीसरी यह है देखिएगा ऑनलाइन आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। मैंने वीडियो बनाई है कनाडा से रिलेटेड, जो है अगर आपके पास डॉक्यूमेंट पूरे हैं तो आप जो है अपने आप से ही अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑनलाइन अप्लाई करने में देखिएगा कुछ फीस भी होती है, लेकिन वो जो है जेनी जो वेबसाइट्स होती हैं वो उनकी फीस होती है, वो आप जो है उस पर जाकर के उनको अप्लाई कर सकते हैं अपने आप से, ठीक है। तो ये जो है देखिएगा बिल्कुल जेनी तरीके यही है। इस तरीके से आप जो है जा सकते हैं। और जो है देखिएगा टूरिस्ट वीजा में देखिए अलग अलग तरीके हैं कि कोई आपको स्पॉन्सर कर रहा है या कोई आपको इस तरीके से बोल रहा है, तो आप वहां पर अपनी स्किल दिखा करके वहां का जो है वीजा ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। तो इस तरीके से देखिएगा इस वीडियो में मैंने जो है आपको वो चीज भी बता दी जो कि नहीं है आपको, अगर इस तरीके से कोई बोल रहा है उन चीजों को अवॉइड करना है, और आपको जेन्युइन में भी बता दिए मैंने। लेकिन फिर भी कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्योरी इससे रिलेटेड या और कोई भी क्वेश्चन क्योरी है आपकी मोबाइल, पीसी, लैपटॉप, टेक्नोलॉजी, जॉब से रिलेटेड, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइएगा, जिससे कि मैं उससे रिलेटेड वीडियो बना सकूं और आपकी जो भी क्वेश्चन क्योरी हो उसे मैं सॉल्व कर सकूं। तो आई होप आप ऐसा करेंगे दोस्तों। और जितने मेरे व्यूअर सब्सक्राइबर हैं सबको मैं जो हूँ अगेन जो मैं सच्चे दिल से थैंक्स बोलना चाहता हूँ कि आप लोगों के सहयोग की वजह से ही चैनल इतना ग्रो हो चुका है। आप लोग इतना डेली कमेंट करते हैं, इतना शेयर करते रहते हैं वीडियोस, तो फ्यूचर में भी यही आशा करता हूँ कि आप लोग ऐसे प्यार दिखाते रहेंगे और जो भी आपकी मोबाइल, पीसी, लैपटॉप, टेक्नोलॉजी, जॉब से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी वो सॉल्व होती रहेगी। और जितने मेरे व्यूअर सब्सक्राइबर हैं सबको मैं जो हूँ यही बोलता हूँ कि अगर आपके रिप्लाई एक दिन से ज़्यादा डिले हो जाए करें तो प्लीज़ आप उसके लिए पेशेंट रखा करें। मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आप लोगों के रिप्लाई एक दिन में ही दे दूँ, लेकिन फिर भी एक दो दिन अगर डिले हो जाए करें तो उससे क्या होता है कि मैं हज़ारों मैसेजेस मेरे पास रहते हैं तो एक दिन में रिप्लाई देना मुश्किल हो जाता है। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि आपके जितने भी जो है क्वेश्चन हों उनका रिप्लाई मैं हाथों हाथ दे दूँ और जो भी आपकी क्वेश्चन क्योरी हो उसे मैं सॉल्व कर सकूँ। तो प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि दूसरे लोगों को भी इससे रिलेटेड पता चल सके और जिससे कि उनकी जो भी अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन क्योरी है तो वो सॉल्व हो सके। तो प्लीज आई होप मैं यही आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, क्योंकि वीडियो की भावनाओं में आप इतना खो जाते हैं कि लाइक करना भूल जाते हैं, और इसको बल्कि लाइक ना करके शेयर करके और शेयर सब्सक्राइब करके जो है चैनल को जो है ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों को भी बताइएगा, जिससे कि दूसरों को भी इसकी इन्फॉर्मेशन मिल सके और दूसरे लोग आगे दूसरे लोगों के साथ ये चीज़ शेयर कर सकें। तो आई होप आप ऐसा करेंगे दोस्तों। तो प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइएगा जो भी आपके क्वेश्चन क्योरी है। मैं देखिएगा सारे क्वेश्चन आपके देखता हूँ। लाइव स्ट्रीम से भी जुड़े हैं आप, लाइव स्ट्रीम से जुड़ने का फायदा ये होता है कि आप दूसरों के भी क्वेश्चन अगर वो होते हैं तो उनके क्वेश्चन भी वहीं के वहीं उनको मिल जाते हैं।
भाई बाबा आप ऐसा करेंगे दोस्तों, इंशाल्लाह ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ दोबारा फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए दोस्तों अल्लाह हाफिज, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।